दिल्ली में 5 दिन के होम क्वारंटीन के मुद्दे पर मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद मनीष सिसोदिया मीडिया से बात कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। सरकार ने प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल्स के कुछ बेड्स को जो सस्ता करने का प्रस्ताव सिफारिश भेजी थी उस पर चर्चा होनी थी और उस पर फैसला होना था और उसके बाद उसको दिल्ली सरकार को आगे लागू करना था। और दूसरा, कल एलजी साहब ने जो केंद्र के दबाव में आदेश दिया है कि पूरी दिल्ली में कोरोना मरीजों को सबसे पहले 5 दिन के लिए सब मरीजों को होम क्वारंटाइन खत्म कर दिया जाए और उन्हें सरकारी क्वारंटीन में ले जाया जाए, इस आदेश पर चर्चा होनी थी। दोनों ही आदेशों पर दिल्ली सरकार ने कड़ा एतराज जताया। पहला तो ये कि जो केंद्र सरकार की प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर सिफारिश है उसमें कहा गया है कि जो नॉन कोविड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें केवल 24% बेड सस्ते पे दिए जाएं और बाकी बेड्स लोगों को महंगे मिलेंगे। दिल्ली सरकार का कहना है कि इन हॉस्पिटल्स में 60% बेड लोगों को सस्ते मिलने चाहिए, पर अभी सहमति नहीं बनी और दोबारा 5 बजे बैठक होगी एक्सपर्ट्स के बाद केंद्र सरकार कमेटी थी उसके साथ भी बात करके। और जो होम आइसोलेशन का सिस्टम एलजी साहब ने बंद किया है उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली सरकार की ओर से पुरजोर तरीके से यही बात रखी कि अगर होम आइसोलेशन बंद हो गया तो दिल्ली में प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी जितने लोग हैं, अगर अभी आंकड़ा देखें तो 10,000 से ज्यादा लोग इस समय होम आइसोलेशन में हैं और क्वारंटीन सेंटर्स में केवल 6,000 बेड्स हैं। तो 10,000 लोगों को अगर लेकर जाएंगे आज ही, 6,000 बेड्स पे कहां लेकर जाएंगे? और रोजाना करीब 3,000 के करीब पेशेंट्स आ रहे हैं कोरोना के, उससे ज्यादा आ रहे हैं। अभी तक हेल्थ डिपार्टमेंट के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से भी 30 जून तक दिल्ली में करीब 1,00,000 पेशेंट्स होंगे कोरोना के, 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख पेशेंट्स होंगे और 31 जुलाई तक 2.25 लाख पेशेंट्स होंगे।